सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आप क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप क्रोम ब्राउजर में अपना बायटी स्टूडियो को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि बायटी स्टूडियो में आपको बहुत सारी सेटिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलती, तो आपको आना पड़ता क्रोम ब्राउजर में उन सेटिंग को ऑन करने के लिए। तो मैं आज के इस वीडियो पर यही बताऊँगा कि आप अपना बायटी स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर में किस प्रकार से आप ओपन करेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी समझने के लिए केवल आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब से संबंधित मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पे बात करने वाला था कि आप क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल कैसे ओपन करेंगे। इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो आपको आ जाना बैक, देख लीजिए मैं बैक आ जाता हूँ, आपको पूरा आ जाना बैक। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना मैं आपको बताता हूँ। बैक आने के बाद आपको किसी एक ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर लेना, यानी कि आपको क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर लेना। देख लीजिए मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको अपना क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, सर्च का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना। देख लीजिए मैं क्लिक कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या सर्च करना मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे सर्च करना है बायटी स्टूडियो डेस्कटॉप। आपको यहाँ पे ऐसा क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है बायटी स्टूडियो डेस्कटॉप। तो अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया बायटी स्टूडियो डेस्कटॉप, आपको सेम इसी प्रकार से लिख लेना बायटी स्टूडियो डेस्कटॉप। इसके बाद आपको यहाँ कर देना सर्च। देख लीजिए मैं सर्च कर देता हूँ, आपको सेम इसी प्रकार से सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना मैं आपको बताता हूँ। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा थर्ड नंबर आपको दिखाई देगा साइन इन यूट्यूब। आप देख लीजिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन इन इन यूट्यूब, तो आपको इसमें क्लिक कर लेना। आपको उसमें क्लिक करना, देख लीजिए मैं इसमें क्लिक कर लिया। आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे नीचे सर क्या दिखाई दे रहा है कंटिन्यू टू स्टूडियो, आपको इसमें क्लिक कर लेना। जैसे आप इसमें आप क्लिक कर लेंगे ना, तो जो भी आपका जो आपका YouTube होगा वह डेस्कटॉप साइज में ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना, वेट करने के बाद आपको करना मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए जो मेरे यहाँ पे YouTube है वह क्या हो चुका है डेस्कटॉप साइड में खुल चुका है। इसके बाद आपको जूम कर लेना, देख लीजिए मैं जूम कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जूम कर लेना है, कुछ तरह से जूम करना। जूम करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका चैनल का लोगो, इसमें आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्विच अकाउंट। आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्विच अकाउंट, आपको स्विच अकाउंट में क्लिक कर लेना। देख लीजिए मैं स्विच अकाउंट पर क्लिक किया। इसके बाद आपको जिस चैनल को यहाँ पे ओपन करना है आपको उस चैनल को यहाँ पे क्लिक कर लेना। देख लीजिए मेरा ये चैनल है टेक्निकल अवनीश, तो मैं इस चैनल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देख लीजिए मैं यहाँ पे अपना चैनल को ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे चैनल ओपन हो रहा है डेस्कटॉप साइज में। थोड़ा सा आपको वेट करना है, तो आप देख लीजिए मेरा चैनल यहाँ पे डेस्कटॉप साइज में ओपन हो चुका है, यानी कि मेरा बायटी स्टूडियो डेस्कटॉप साइज में यहाँ पे खुल चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा वीडियो का ऑप्शन। यहाँ पे जब आप जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे पूरी वीडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए आपको यहाँ पे साइड में आपको बहुत सारे आपको फीचर दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे मोनेटाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद सबसे मोस्ट बात यह है कि आपको सबसे नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेटिंग का ऑप्शन। आपको यदि आप यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी आपको सेटिंग ओपन हो जाएंगी। देख सकते हैं आपको जनरल चैनल, आपको बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएंगी, और आप यहाँ पर अपने चैनल के यहाँ पर सेटिंग आप सुधार सकते हैं, यानी कि जो भी आपको सेटिंग यहाँ पर करना हो आप यहाँ पर चैनल में क्लिक करके आप यहाँ से अपनी सेटिंग को पूरा यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो भी आपको सेटिंग यहाँ पे करना हो आप अपने चैनल की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने बायटी स्टूडियो को डेस्कटॉप साइज में कैसे ओपन करेंगे, यानी कि आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे डेस्कटॉप साइज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पर कुछ पूछना तो कमेंट सिस्टम में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो जब तक के लिए थैंक्स, बात चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।